पनकी में बेकाबू डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत हो जाने से आज पनकी क्षेत्र के नागरिकों ने MIG रोड जाम कर दी और व्यापारी नेता पुष्पेंद्र जायसवाल ने DCP ट्रैफिक रवीना त्यागी जी से और SP निशंक शेखर जी से फ़ोन पर बात कर उनके अस्वस्थ होने पर उन्होंने अपने प्रतिनिधि TI विनय कुमार को मौके पर भेजा, जिन्होंने ये आश्वासन दिया कि तुरंत 2 सिपाहियों को ड्यूटी MIG पर लगाई जाएगी, जिससे कोई भी डंपर या हैवी वाहन इस रोड से नहीं गुजर सकेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नो एंट्री जोन की घोषणा कर दी गई है और एक नो एंट्री का बोर्ड भी लगाया जाएगा। नगर निगम से पत्राचार कराकर शीघ्र ही ओवरहेड बैरियर लगवाए जाएंगे। ट्रैफिक डाइवर्ट कर पनकी नहर रोड से देखें खास रिपोर्ट कानपुर से। उसके लिए मैंने कितना संघर्ष ने जो है कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का आदेश था, जो आदेश था हमने लोक निर्माण विभाग की टीम वो ऐसे थोड़ी उखड़ा है जैसे आप लोग समझ रहे हैं। हमने उसके मेहनत करके PWD का वो अनिश्चित अतिक्रमण था उसको हटवाया गया कि केवल इधर के जो भाई लोकल का आदमी रह रहा वहाँ कोई दिक्कत उसके इशू ना हो। जो आप लोगों का ध्यान हमेशा रखा गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी आपकी क्या अभी हफ्ता भर पहले तो बात हुई थी कि बिना भैया ये करवाना है तो आपने बोला नहीं, हम इधर सर चले गए, ट्रांसफर हो गया हमारा, लेकिन हम काम करके गए। मैं सेंट्रल जोन का TI हूँ, मुबीन साहब चले गए हैं छुट्टी, यहाँ TI साहब हमारे लगे हैं, लेकिन मृगान साहब फोन किए थे आपको तो हमको यहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी है। मैं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर भी इस क्षेत्र का रहा हूँ, मुझे यहाँ के बारे में अच्छी जानकारी है। इसकी ऐसी बात नहीं है कि इसका पूरा आप लोग लगवा लीजिए और मैं एक पत्राचार आज ही अभी सी करवा रहा हूँ क्योंकि वो 5 सेकंड पहले हम लोगों को ले जाता है बिना भी हैमर जो आता है खुदाई वाला वो अगर उसका हो जाए तो और हमारे पास तो है नहीं, देख लो अरेंजमेंट करा लो, बाकी नगर निगम की टीम आएगी तो सर लगेगी। हाँ वो ठीक है दिन में 10 बजे या 11 बजे तक, 10 बजे तक चलने ही नहीं देंगे, 10 बजे सब हो जाएंगे तभी चलेंगे। आप क्यों चिंता करते हैं, रात्र 10 बजे के बाद आदमी चलते हैं, कोई बच्चा 10 बजे तक 10 बजे बहुत होता है, 6 तक सब कोई काम कोई दिक्कत हम करवा दे। वो भी इस रोड पे नहीं, वो तो करके हो जाएगा तो हम हर रोड पे नहीं चल रहे, हम भाटिया बैंगागंज के अंदर कोई बाहर नहीं चलेंगे। मतलब इसको 6,500 बच्चा मूव कर रहा है, कितना बड़ा रिस्क है अगर वो इंडिविजुअल की जगह किसी वैन पे मार देता है।